हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6.6 क्या बोला है देखो। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ ए रेडियस 8 सेंटीमीटर 20 टर्न्स इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ, देखो यहाँ पे एंगुलर स्पीड दिया गया है, विथ ऑफ 50 रेडियन पर सेकंड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻²⁺ टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। इफ द कॉइल फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल। कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू द जूल हीटिंग एंड वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम। तो हमें यहाँ पे इतनी चीजें पूछी गई है ना, और यहाँ पे जो हमें जितनी चीजें पूछी गई उसके लिए जो दिया गया है उसको पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 20। उसके अलावा रेडियस, रेडियस कितनी दी गई है, तो यहाँ पे हमें रेडियस दी गई है लूप की, दैट इज 8 सेंटीमीटर। और इसको मैं मीटर में लिखना चाहूं तो मैं इसको 0.08 मीटर लिख सकता हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी गई है, दैट इज 3 × 10⁻²⁺ टेस्ला। इसके अलावा और क्या दिया गया है, जी हाँ, एंगुलर स्पीड दी गई है, दैट इज ओमेगा, एंड ओमेगा इज गिवन एज ए 50 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और आपको इसके अलावा और एक चीज दी गई है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट लूप, रेजिस्टेंस ऑफ दैट लूप, एंड दैट इज 10 ओम। चलो पूछा क्या है, मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ, मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ। बच्चों यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वही हमारे लिए एवरेज यहां पे कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें ना आपको अल्टरनेटिंग करंट में समझ में आएगी, मतलब कि अभी के लिए मैं यहां पे लिखूंगा एप्सिलॉन मैक्सिमम, विच इज नथिंग बट हमारे लिए एवरेज वैल्यू ऑफ दिस, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। नाउ व्हाट इज दिस, मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे हम देखो ध्यान से किसको बोल सकते हैं, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन जीरो के बराबर, है ना। यहां पे देखो एप्सिलॉन जीरो के बराबर, और वो एप्सिलॉन जीरो कितना होता है, हमें किसको किसको एप्सिलॉन जीरो हमने मान लिया था, तो हमने एन बी ए ओमेगा को एप्सिलॉन जीरो मान लिया था। तो वही वैल्यू अगर हम यहां पे प्लेस करते हैं तो यहां पे हमें प्लेस करना पड़ेगा, इट इज नथिंग बट एप्सिलॉन जीरो, दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा एन बी ए ओमेगा। क्या सारी इंफॉर्मेशन यहां पे प्रोवाइडेड है, जी हाँ सारी इंफॉर्मेशन यहां पे प्रोवाइडेड है। अज्यूम करेंगे कि ये जो लूप है, अच्छा अज्यूम करने की जरूरत नहीं, उन्होंने दिया है सर्कुलर लूप है ना। चलो तो सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर सर्कल का, तो उसको एक स्टेप ज्यादा लिखते हैं, इट इज नथिंग बट पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे दिए गए हैं, दैट इज 20, इट इज 20। मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया गया है, दैट इज 3 × 10⁻²। पाई की वैल्यू होती है 3.14 के बराबर। आर स्क्वायर मतलब कि 0.08 का स्क्वायर, इंटू ओमेगा मतलब कि हमें दिया गया है यहां पे 50 रेडियन पर सेकंड। सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो उसको प्लेस करो यहां पे। अभी आपके पास कैल्सी है, मेरे पास भी कैल्सी है, कैल्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, और फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो बार 0.08 से, मल्टीप्लाई 0.08, एंड फर्दर वो मल्टीप्लाई होगा 50 से। तो हमारे पास कुछ आंसर मिलेगा, ये आंसर आएगा 60.288, मतलब कि ये आंसर आएगा 60.288 × 10⁻²। और ये 10⁻², का अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.602, है ना, दो डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 0.602, एक्चुअली 0.6028, एक ज्यादा डिजिट लिखेंगे नहीं तो 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना वोल्ट मैक्सिमम ईएमएफ होगा। चलिए मैक्सिमम ईएमएफ तो हम निकाल लिए,
अभी बात आती है मैक्सिमम करंट की कि भाई यहां पे ये भी तो पूछा है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा। तो भाई मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे? तो अगर हमें ईएमएफ पता है, मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू पता है, तो करंट है, मैक्सिमम करंट भी तो पता लगा सकते हैं ना। मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है? आई मैक्स इज इक्वल्स टू एप्साइलोन मैक्स डिवाइड बाई आर के बराबर रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल, है ना। ये कितना है? 0.6028 डिवाइड बाय उसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है कॉइल का? 10 ओम। तो ये हो जाएगा कितना? 0.06028 एम्पियर, है ना। तो इतना मैक्सिमम करंट वो वाली लूप में से फ्लो करेगा। चलिए इसके बाद और क्या पूछा है हमें? इसके बाद और यहां पे हमें पूछा है कि भाई यहां पे एवरेज पावर लॉस ड्यू टू दी जूल हीटिंग कितना होगा। तो हमारे पास एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है, आई मैक्स की वैल्यू है, तो यहां पे पावर लॉस को हम लिखेंगे एवरेज पावर लॉस यहां पे कितना होगा। तो एवरेज पावर लॉस यहां पे होगा एप्सिलॉन आरएमएस इनटू आई आरएमएस के बराबर। अभी यहां पे ये क्या है, ये चीज क्या है, वो सारी चीजें आपको अल्टरनेटिंग करंट में समझ में आएगा। इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर। देखो बच्चों, आसान भाषा में अगर अभी के लिए इतना समझा सकता हूं, बाकी सारी चीजें की क्लैरिटी जो भी होगी वो आपको अल्टरनेटिंग करंट में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना समझो कि भाई ये जो सिग्नल होता है ना, एनालॉग सिग्नल, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको साइनोसोइडल से रिप्रेजेंट किया, तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं इसका एवरेज निकालने जाता हूं, तो आप समझ सकते हो कि जितना पॉजिटिव रीजन है उतना ही नेगेटिव है। वैसे रीजन नहीं देखना है, यहाँ पे वैल्यूज देखनी है। मैंने बोला कि यहां से ये जो ग्राफ है, साइन का ग्राफ, जीरो से यहां तक वन तक जा रहा है, वापिस जीरो हो रहा है, फिर यहां से वो नेगेटिव में माइनस वन तक जा रहा है और फिर वापस जीरो हो रहा है। अगर मैं पूछूं कि भाई यहां पे इसके यहां से यहां तक एक साइकिल के लिए एवरेज निकालो, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा? जरा सोचो कि भाई जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है ना, यहां पे जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है वो सारी यहां पे नेगेटिव वैल्यूज भी है। और एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन सबको एड करते हैं, है ना, डिवाइड बाय जितना साइकिल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम है वो, है ना। तो यहाँ पे भाई हमने जितने सैंपल लिए ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल, हमने जितने सैंपल लिए ना, जितने पॉजिटिव सैंपल होंगे ना ये वाले केस में, उतने ही नेगेटिव सैंपल भी होंगे। और जैसे आप ये प्लस एंड माइनस को एड करोगे तो टोटल यहाँ पे एडिशन जीरो निकलेगा। अभी इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई ये जो साइनोसोइडल सिग्नल है इसका एवरेज जीरो निकलता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब जीरो कैसे बोल सकते हैं, जीरो नहीं होगा, है ना। तो यहां पे अगर सीधा एवरेज निकालने जाते हो तो यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, दैट इज वी आर गेटिंग दी वैल्यू जीरो, इसका एवरेज जीरो हो गया, है ना। इसीलिए यहां पे एक रास्ता निकाला गया इसका एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि ऐसे देखने जाओगे तो एवरेज जीरो दिखेगा, लेकिन इसका एवरेज तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक रास्ता यहां पे निकाला गया, एक रास्ता यहां पे अप्लाई किया गया, जिसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर, जो स्पेसिफिकली ऐसे सिग्नल के लिए हमें एवरेज निकाल के दे सकता है, जो सिग्नल का आप डायरेक्टली एवरेज निकालने जाओ तो वो जीरो दिखेगा, है ना। इसमें होता क्या है कि बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन उल्टी प्रोसेस की जाती है, मतलब कि पहले स्क्वायर किया जाता है, फिर मीन निकाला जाता है, एंड फिर वापस अंडर रूट लिया जाता है, है ना। तो स्क्वायर करेंगे, मीन निकालेंगे और फिर वापिस रूट लेंगे। स्क्वायर किया तो अंडर रूट लेना पड़ेगा वैल्यू को मैच करने के लिए। तो स्क्वायर करने से पहले, स्क्वायर करने से होता क्या कि जो ये नेगेटिव रीजन है ना, क्योंकि हमारा साइनोसोइडल सिग्नल ऐसा है, हमने देखा सीधा अगर हम यहाँ पे एवरेज निकाले जाएंगे तो सबका एडिशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यूज उसके पास है उतनी नेगेटिव वैल्यूज भी यहाँ पे है, है ना। तो ऐसे केस में भाई पहले स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से होगा क्या? स्क्वायर करने से ये होगा कि उसकी जो नेगेटिव साइकिल है ना वो भी पॉजिटिव में आ जाएगी, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा स्क्वायर होके, लेकिन फिर भी हम आखिर में उसका अंडर रूट भी तो लेने वाले हैं, है ना। तो अंडर रूट लेंगे तो वापिस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो भाई पहले स्क्वायर किया जाता है तो हमें सिग्नल ऐसा मिल गया, मतलब कि अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जीरो होने की, तो अब आप मीन निकाल सकते हो। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा? तो भाई हमने तो स्क्वायर निकाल के मीन निकाला ना, तो अभी उसका अंडर रूट भी तो लेना पड़ेगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? रूट लेते हैं, है ना। तो ये तीन स्टेप की प्रोसेस कंप्लीट करने पे हमें ऐसे सिग्नल का एवरेज मिल जाता है, जो सिग्नल का एवरेज सीधा करने जाओगे तो आपको जीरो दिखेगा, है ना। तो इसीलिए यहां पे जब भी एवरेज की बात होती है तो एसी सिग्नल के केस में हम जगह जगह, हर एक जगह पे रूट मीन स्क्वायर का ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। प्रोसेस उल्टी की जाती है, बोला जाता है आरएमएस रूट मीन स्क्वायर,
लेकिन प्रोसेस उल्टी होती है, एस एम आर पहले स्क्वायर किया जाता है फिर मीन निकाला जाता है एंड फिर अंडर रूट लिया जाता है। एक बात बताऊं, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का अगर सीधा एग्जांपल देना है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके घर में अगर अल्टरनेटिंग करंट आता है तो वो अल्टरनेटिंग करंट का नेचर तो ऐसा साइनोसोइडल होता है ना, मतलब कि अभी जीरो है, एक मान लो कि थोड़े मिली सेकंड के बाद वो उसका एम्पलीट्यूड वन हुआ होगा, उसके बाद टू थ्री फोर ऐसे 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 करके पीक पे गया होगा, फिर धीरे 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 डिक्रीज करके नेगेटिव में गया, फिर वापस इंक्रीज करता गया। तो आपके घर में तो ऐसा सिग्नल आता है ना, आपके घर में तो ऐसा सिग्नल आता है, तो फिर हम इसको 240 वोल्ट क्यों बोलते हैं? आपके घर में आने वाला सिग्नल तो अल्टरनेटिंग करंट है, साइनोसोइडल वाला। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये 240 वोल्ट का सिग्नल है? नहीं बोल सकता ना, 240 वोल्ट कैसे बोल सकता हूं? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि उसकी वैल्यू तो वेरी कर रही है ना। आपको पूछना पड़ेगा कि भाई कौन से टाइम पे आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, और जब पूछा क्वेश्चन तब मैग्नीट्यूड ये था, थोड़े टाइम के बाद ये हो गया होगा, उसके बाद ये, तो मतलब आप जवाब देने जाओगे तब तो वो कहां का कहां एम्पलीट्यूड चला गया होगा, तो वो एम्पलीट्यूड का आंसर तो नहीं दे सकते ना। फिर भी हम बोलते हैं कि 240 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, ये क्या होना चाहिए 240 वोल्ट? हम इसको वेरिएबल नहीं बोलते हैं, हम इसको हमेशा एक फिक्स वैल्यू बोलते हैं कि भाई मेरे घर में 240 वोल्ट, मेरे घर में जो आ रहा है वही आपके घर में आ रहा है ना, सबके घर में वही 240 वोल्ट वाला सप्लाई। हाँ, ये अलग चीज है कि 240 फिक्स नहीं है हमारे, ये वही वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है 240, 220 से 240 के बीच में वेरिएशन आपको नजर आता जाएगा, लेकिन बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं 240 वोल्ट, है ना। तो भाई ये जो 240 वोल्ट है ना, वो कौन सी वैल्यू पता है? आरएमएस वैल्यू है, वो आरएमएस वैल्यू है, मतलब कि एक्चुअल में आपका जो साइनोसोइडल सिग्नल जो आपके घर में आता है ना, वो कुछ उसका पीक एम्पलीट्यूड ज्यादा है 240 वोल्ट से, क्योंकि वी आरएमएस का जो फॉर्मूला है ना, अभी के लिए सीधा फॉर्मूला लिखेंगे वहां पे समझेंगे आरएमएस क्या है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो वी आरएमएस का जो फॉर्मूला ना, हम जो बोलते हैं 240 वोल्ट, दैट इज द आरएमएस वैल्यू, और वी आरएमएस का फॉर्मूला जैसे कि मुझे यहां पे लिखना है, तो ये एप्सिलॉन आरएमएस होता है एप्सिलॉन मैक्स डिवाइड बाय रूट 2 के बराबर। सिमिलरली यहां पे आई आरएमएस को हम लिख सकते हैं आई मैक्स डिवाइड बाय रूट 2 के बराबर, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में अगर 240 वोल्ट आ रहा है, तो 240 वोल्ट ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू 240 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये होता है कि रूट 2 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपके घर में आने वाला सप्लाई का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, 240 मल्टीप्लाई बाय रूट, इतना एम्पलीट्यूड आपके घर में आने वाले साइनोसोइडल सिग्नल का मैक्सिमम पीक होगा। ये तो एवरेज है 240 वोल्ट, हम ये सारी वैल्यू, क्योंकि वो तो वेरी कर रहे हैं ना, और जैसे ही ये वेरी कर रहे हैं तो इसको दिखाने के लिए हमें एक ही वैल्यू से शो करना पड़ता है, तो उसके लिए हम इसको आरएमएस वैल्यू से शो करते हैं। एंड द आरएमएस वैल्यू व्हिच इज कमिंग, आरएमएस वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज व्हिच इज कमिंग टू योर होम, दैट इज द 240 वोल्ट, ठीक है। तो आपके घर में जो साइनोसोइडल आता है उसका मैक्सिमम पीक वैल्यू है ना, उसको निकालना है, तो आपको 240 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 करना पड़ेगा, तब जाके आपको आपके घर में आने वाले सिग्नल का मैक्सिमम पीक कितना है एंड मिनिमम पीक कितना होगा वो आपको पता चलेगा। मतलब कि आपको ये समझ में आएगा कि मेरे घर में जो सप्लाई आता है ना, वो जीरो से वेरी करता करता इतना पॉइंट तक जाता है, वापस डिक्रीज करता करता यहां तक आता है, फिर वापस इंक्रीज करता करता यहां तक आता है, लेकिन एवरी टाइम हम उसको वेरिएबल नहीं दिखा सकते। इसके लिए एक वैल्यू से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं, लेकिन साइनोसोइडल का एवरेज निकालने जाओगे सीधा एवरेज निकलेगा नहीं, नहीं तो जीरो आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूट मीन स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो यस, आपके घर में जो आता है 240 वोल्ट का सप्लाई, 240, ठीक है, वो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, वो सारी चीजें ना अल्टरनेटिंग करंट में डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा, अभी के लिए इसको इतना यहाँ पे कंसीडर कर लो, ये क्वेश्चन वहां पे पूछा होता तो अच्छा रहता, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये चैप्टर में पूछा है, तो भी अभी अभी के लिए ये फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो एप्सिलॉन मैक्स डिवाइड बाय रूट 2 आई मैक्स डिवाइड बाय रूट 2, ठीक है। इसके अलावा एक पावर फैक्टर भी आता है, लेकिन वो चीज वहां पे देखे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं देखेंगे, इसके अलावा और एक टर्म भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है। चलिए, तो एप्सिलॉन मैक्स यहाँ पे हमारे पास है 0.6028 मल्टीप्लाई बाय आई मैक्स की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज 0.06028 डिवाइड बाय रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाता है बच्चों 2। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई इनका मल्टीप्लीकेशन क्या निकल के आता है हमारे पास, चलिए देखते हैं, आपके पास भी कैल्सियम, आप खुद से भी कर सकते हो। तो 0.6028 मल्टीप्लाई विथ 0.06028
एंड उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो भाई मेरे पास तो आंसर कुछ आया 0.018168, मतलब कि 0.01817 में लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये आंसर मेरे पास आएगा 0.018168, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम इसको एक डिजिट कम करते तो 0.01817 वॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना यहां पे पावर जनरेट होगा, क्लियर है, क्लियर है। तो और आखिरी क्वेश्चन यहां पे पूछा है, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम। भाई ये पावर आया किसकी वजह से? ऑब्वियसली इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, जो इंड्यूस करंट जनरेट हुआ उसकी वजह से, है ना। तो हम यहां पे इसका आंसर तो आसान है, आप दे सकते हो खुद से भी कि भाई ये पावर आया किसकी वजह से, तो भाई ये इंड्यूस करंट की वजह से, है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0.0 एम्पियर इन 1 सेकंड, सॉरी 0.1 सेकंड। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब कि यहां पे आपको सेल्फ इंडक्टेंस पता लगाना है और उसके लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी प्रोवाइडेड है। आपको बोला है कि करंट 5 एम्पियर से जीरो हो रहा है कितने टाइम में, 0.1 सेकंड में, ठीक है। और जो एवरेज ईएमएफ आपको दिया गया है दैट इज हाउ मच, 200 वोल्ट। एवरेज ईएमएफ की वैल्यू आपको 200 वोल्ट दी गई है, ठीक है। तो हम यहां पे एक काम करते हैं, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई यहां पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस निकालने को बोला है। तो एवरेज ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, एवरेज ईएमएफ का वैल्यू भाई रिलेशन याद करो, माइनस नेगेटिव ऑफ एल डी आई बाई डी टी होता है ना। लेकिन यहां पे आपको ना इंटरवल में ये दिया गया है, मतलब कि यहां पे 5 एम्पियर से जीरो हो रहा है ऐसा बोला है। तो हम यहां पे डी को यहां पे डेल्टा से थोड़ा रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से हम इसको लिख पाएंगे, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस एल इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, जहां पे ये डेल्टा टी का जो इंटरवल है, इंटरवल थोड़ा बड़ा दिया गया है, इंस्टेंटेनियस नहीं है, तो यहां पे हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा चेंज। डेल्टा ई है 0.1 सेकंड, डेल्टा आई है कितना, तो डेल्टा आई का वैल्यू क्या होता है, तो भाई हमें पता है ये माइनस एल इंटू फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, है ना, यही तो होता है फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो यहां पे डेल्टा आई का मतलब क्या होगा, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, है ना, डिवाइड बाय डेल्टा टी, जो यहां पे हमें सीधा 0.1 सेकंड दिया गया है। और यहां पे आपको एवरेज एप्साइलॉन भी दिया गया है, तो सारी चीजें यहां पे प्रोवाइडेड है, तो सीधा इसको प्लेस करने की ही जरूरत है। तो भाई उसके अंदर वैल्यू को प्लेस कर दो, तो ये 200 माइनस एल, फाइनल करंट कितना है तो भाई 0 एम्पियर, इनिशियल कितना है तो भैया 5 एम्पियर, डिवाइड बाई 0.1, है ना। तो आसान है ये तो क्वेश्चन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यहां पे, तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसको मैं भाई 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर दूं तो ये हो जाएगा 20, और ये 20 इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस 5 टाइम्स एल हो जाएगा। तो भाई साहब ये वाले केस में सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, 4 हेनरी, है ना, 4 हेनरी, इतना सेल्फ इंडक्टेंस हमें मिलेगा, क्लियर है। छोटा सा पुद्दू सा क्वेश्चन है, कोई इसमें टिपिकलिटी नहीं है। हाँ, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई उसको लिखना है तो लिख सकते हो, फाइनल करंट हमें 0 एम्पियर का दिया गया है, इनिशियल करंट हमारे पास 5 एम्पियर का है। सर क्या बात है, मतलब एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए उसके बाद सारी वैल्यू गिवन वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है बच्चा लोग। यहाँ पे क्या है कि जो जगह छोड़ी थी तो वो उसके लिए ही छोड़ी थी, तो पहले लिखना था लेकिन लिखे नहीं, तो अभी बाद में लिख लो, जगह तो जगह छूट गई ना, तो उसमें तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6.9, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। देखो यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दिया गया है। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकंड, देन व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। मतलब कि वो अदर कॉइल के साथ लिंकेज फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, मतलब कि डेल्टा फाई अल्टीमेटली आपको यहां पे निकालना है, डेल्टा फाई आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं डेल्टा फाई क्या आएगा। तो भाई किसी पहले ध्यान से सुनना, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है, यहां पे मैं जगह नहीं छोड़ूंगा ताकि मुझे बाद में नहीं लिखना पड़े। देखो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है भाई, सेकंड कॉइल के अंदर, पहली कॉइल के अंदर करंट का बदलाव कर रहे हैं और सेकंड कॉइल के अंदर हम
फ्लक्स को देख रहे हैं, है ना। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा भाई साहब ये फाई टू फ्लक्स जो लिंकेज फ्लक्स होगा, ये जो लिंकेज अच्छा प्लस के ऊपर डायरेक्टली नहीं जाते, हमारा सीधा एप्सिलॉन का रिलेशन ही यूज करके भाई सेकंड कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितना हो सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू di1/dt के बराबर हो सकता है ना। और इसको अगर मुझे लिखना है तो 21 लिख सकता हूं कि चेंज इन टू विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। और ये जो एप्सिलॉन 2 है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो एप्सिलॉन 2 है इसको मैं माइनस डी फाई 2 बाई डी टी बोल सकता हूं, है ना। दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, माइनस डी फाई 2 बाई डी टी के बराबर होता है, ये आपको पता है ना, माइनस डी फाई 2 बाई डी टी के बराबर है, दैट इज इक्वल टू माइनस एम 21 इंटू डी आई 1 बाई डी टी। क्लियर हुआ ये कहां से लिखे हम, सेकंड कॉइल के अंदर पहले कॉइल के करंट की वजह से जनरेटेड ईएमएफ कितना होता है, माइनस एम 21 डी आई 1 बाई डी टी, म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में हमने देखा था, दो कॉइल वाला एक केस देखा था, ठीक है। अगर याद नहीं है तो फिर मैं यहां से आपको ये स्लाइड दिखा देता हूं, आगे जाना पड़ेगा, यहां पे नहीं है, इसके आगे वाले केस में, हाँ शायद ये वाले, हाँ यहां पे देखो ये सेकंड कॉइल की वजह से इसमें चेंज करोगे तो फर्स्ट कॉइल में, सेकंड कॉइल में चेंज करोगे तो फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, इतना हम फर्स्ट कॉइल में चेंज कर रहे और सेकंड कॉइल में देख रहे, मतलब कि हमें अप्लाई करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो यही तो हमने अप्लाई किया कि फर्स्ट कॉइल के करंट को चेंज करते हैं और सेकंड कॉइल का ईएमएफ मेजर करते हैं, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए तो वापिस चले जाते हैं हमारे क्वेश्चन के पास, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और ये ईएमएफ कितना हो सकता है, तो माइनस डी फाई 2 बाई डी टी के बराबर, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो इसको डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू आप देख सकते हैं 0 से 20 एम्पियर हो, तो मतलब कि बड़ा चेंज है, यहाँ पे बड़ा चेंज है। इसके लिए हम देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये डी को हम क्या करते हैं डेल्टा से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा करंट का जो चेंज है ना वो बढ़ा दिया गया है, इंटरवल बढ़ा दिया गया है, 0.5 सेकंड का इंटरवल है ना, तो हम इसको डेल्टा टी से देखते हैं, दैट इज इक्वल टू एम 21 डेल्टा आई 1 बाई डेल्टा टी। हमें डेल्टा फाई 2 निकालना है, तो डेल्टा डेल्टा टी तो छम्मा छम्मा हो जाएंगे, बचा सिर्फ ये डेल्टा फाई 2 इज इक्वल टू सीधा लिख सकते हैं एम 21 टाइम्स डेल्टा आई 1। डेल्टा आई 1 का मतलब होता है कि फाइनल करंट, 1 फाइनल करंट माइनस 1 कॉइल में बहने वाला इनिशियल करंट, है ना, पहली कॉइल में बहने वाला फाइनल करंट माइनस पहली कॉइल में फ्लो होने वाला इनिशियल करंट। चलो M21 तो यहां पे दिया गया है, दैट इज 1.5। फाइनल करंट कितना है पहली कॉइल के अंदर, फाइनल करंट है 20 एम्पीयर, 0 से 20 हो रहा है तो फाइनल वैल्यू होगी 20, 0 से स्टार्ट होता है 0, तो ये हो जाएगा इतना आसान, मतलब बहुत ही आसान है, तो ये आंसर आएगा बच्चों 30 वेबर, चेंज कितना आएगा 30 वेबर, ठीक। So, ये निकाल लिया हमने डेल्टा फाइव, दिस इज द आंसर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6.10, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या बोला गया है, ए जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग ए स्पान ऑफ 25 मीटर। If the Earth's magnetic field at that location has a magnitude of 5×10⁻⁴ Tesla and the angle of dip is 30 degree, है ना? देखो यहाँ पे मैंने जो दो चीजें यहाँ पे लिखी है ना, वो मैंने आगे थियरी में समझाया था, वहीं से मैंने उठाई है यहाँ पे। ये वाली जो चीज मैंने लिखी है ना, वो आगे वाले चैप्टर से हमने लिखी है ना, ऐसा मैंने, अगर आपको याद है वीडियो देखा होगा तो मैंने जब एंगल ऑफ डीप हमने लिखा था, हमने इसका बॉक्स बनाया था कि भाई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है, एंड ये आई जो भी एंगल ऑफ डीप है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे हमने डिस्कस की थी। ये वाले क्वेश्चन में इसीलिए मुझे यहाँ पे वापस यहाँ पे लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिचुएशन में जब भी प्रोवाइड करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ये बहुत ही जरूरी हो जाएगा कि कौन सा फील्ड, मतलब कौन सा कंपोनेंट वहां पे इसको अफेक्ट करेगा, है ना, तो वो देखना जरूरी है। चलिए पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लेन ड्रॉ कर देते हैं, प्लेन वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो मान लो कि ये वाली डायरेक्शन है वो वेस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले तो प्लेन को ड्रॉ करते हैं, हमारा ड्रॉइंग इतना तो अच्छा नहीं है,
लेकिन फिर भी आपको समझ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा उतना तो है। ठीक है, ये उसकी पहली विंग है और ये उसकी ये वाली विंग है, और यहाँ पे ये वाली उसकी पीछे वाली विंग है। ठीक है, अच्छा रोकी है, चलेगा इतना तो चलेगा। ठीक, बस इतना है सर। मछली बनाए क्या? अरे भैया उसके अंदर मत जाओ ना भाई, इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। चलो थोड़ो इसके वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि ये डायरेक्शन में। सर मुंह में से तेल निकलता है क्या? अरे भाई यार वेलोसिटी के फॉर्म में देखो ना इसको। चलो तो ये प्लेन की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में टुवर्ड्स दी वेस्ट, और वो कितनी दी गई है? वो हमें दी गई है 1800 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ प्लेन, दैट इज 1800 किलोमीटर पर आवर, है ना वेलोसिटी ये डायरेक्शन में। और ये विंग का जो स्पान है ना, दैट इज 25 मीटर है, 25 मीटर का पूरा स्पान है यहां से यहां तक का, है ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और हमें क्वेश्चन ये हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई देखो आसान है इसका, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या पूछा है, देखो जो पूछा है उसको सिर्फ देखो। यहाँ पे दो विंग विंग ये विंग का जो स्पान है ना, इसके बीच में, मतलब कि मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये दो पॉइंट के बीच में कितना EMF इंड्यूस होगा, है ना, कितना EMF यहाँ पे इंड्यूस होगा। तो ये इंड्यूस EMF ही तो आपको निकालना है, इंड्यूस EMF ही तो आपको निकालना है, और वो कितना होता है? तो भाई किसी रोड को अगर आप किसी फील्ड के अंदर मूव करवाते हो, तो उसके अंदर कौन सा EMF इंड्यूस होता है? मोशनल EMF। तो भैया बस वही तो करना है यहाँ पे, यहाँ पे भी मोशनल EMF इंड्यूस होगा, दैट्स इट। यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा वो कौन सा होगा? मोशनल EMF होगा। तो चीजें तो बहुत ही आसान है भाई साहब, कि यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा दैट इज दी मोशनल EMF। और मोशनल EMF कितना होता है जरा याद करो, जोर लगाओ, मोशनल EMF BVL के बराबर होता है। लेकिन सवाल यह है कि भाई यहाँ पे फॉर्मूला तो पता है BVL, चलो लेंथ भी पता है, कि भाई मान लो कि इसकी जो विंग है ना उसको हम रोड मान लेते हैं, एक रोड है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव हो रहा है। तो लेंथ जो भी यहाँ पे विंग के, विंग का जो स्पान दिया गया दैट इज द लेंथ। इसकी दो विंग का जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट के बीच का जो लेंथ है ना, इसको हम एक रॉड की तरह ट्रीट करवा ले। ठीक है, तो एक रॉड है, मान लो कि वो एक रॉड है और उसकी लेंथ कितनी है? 25 मीटर है। वेलोसिटी भी आपको दी गई है ना, व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा? क्योंकि जो लोकेशन पे वो है वहां पे अर्थ का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पे इतना दिया गया है, लेकिन हमें यहां पे ये कंसीडर करना है कि भाई उसमें से मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इसको अफेक्ट करेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जानने के लिए मैंने यहां पे ये दूसरी वाली फिगर भी यहां पे उठाई है रॉड वाले केस में, ये समझाने के लिए कि भाई यहां पे कौन सा कंपोनेंट हमें लेना है, है ना। तो यहां पे जरा सोचो कि भाई ये जो आपने ये नोटिस किया था, जब हमने ये रॉड वाला जो भी थियरी देखा था मोशनल EMF वाला, क्या आपने ये नोटिस किया था कि भाई इसका लेंथ देखो, ध्यान से देखना, इसका लेंथ इफेक्टिव लेंथ कितना होगा जिसके अंदर EMF इंड्यूस होगा? इतना। इसका लेंथ वेक्टर जो भी है वो वाई डायरेक्शन में है ना, इसका लेंथ वेक्टर जो रॉड जो मूव हो रहा है जिसके अंदर मोशनल EMF इंड्यूस हो रहा है, उसका लेंथ वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, और उसकी मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? एक्स डायरेक्शन में। और कौन से फील्ड के अंदर उसकी मोशन हो? तो देखो क्रॉस क्रॉस, मतलब कि जेड डायरेक्शन वाले फील्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं यहां पे आप देखो देखे तो ये पाओगे कि भाई बी वी एंड एल ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। मोशनल EMF जनरेट होता है BVL, जिसमें बी वी एंड एल तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ ये पॉइंट, है ना। क्योंकि आप लेंथ वेक्टर को देखो तो यहाँ पे वो वाई डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में मोशन हो रही है? एक्स डायरेक्शन में। और फील्ड कौन सा है? परपेंडिकुलर, जेड डायरेक्शन वाला, अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे एल वी एंड बी तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो जो फॉर्मूला है उसके अंदर का बी हो वी हो एंड एल हो, ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना। अब ये परपेंडिकुलर के लिए सीधी सी बात है कि भाई ये जो प्लेन जा रहा है ना वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रही है बात? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं ले सकते हैं क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। टू बी स्पेसिफिक, अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करूं ना, यही डायग्राम को अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करूं, क्योंकि यहां पे ये स्पान दिखाने के लिए मैंने यहां पे ऐसे ड्रॉ किया, बाकी रियलिटी में ये प्लेन को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, सॉरी। ठीक है, ये इसकी विंग है और दूसरी जो पीछे वाली विंग है ना वो आपको नहीं दिखेगी क्योंकि विंग जेड डायरेक्शन में है,
इसकी मोशन जो भी हो रही है ना, मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रही है, और इसकी विंग जो भी है, विंग ये एक्स डायरेक्शन हो गई है ना, एक्स डायरेक्शन वाली डायरेक्शन में वो मोशन कर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलेंगे, और इसकी जो विंग है ना, विंग, ये विंग जेड डायरेक्शन में, ये इस तरीके से कि जो स्क्रीन से बाहर आ रही है और अंदर वाली जो स्क्रीन के अंदर जा रही है, पीछे वाली जो हमें दिख नहीं रही है, प्लेन ऐसे मूव हो रहा है ना, तो ये वाली विंग जो भी है वो जेड डायरेक्शन में है, तो विंग जेड डायरेक्शन में है, तो यहां पे फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, फील्ड जो भी होना चाहिए वो वर्टिकल वाई डायरेक्शन का होना चाहिए, समझ में आ रहा है, यस नो, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, विंग जो भी है, स्पान जो भी है वो उसका जेड डायरेक्शन, स्क्रीन के बाहर एंड स्क्रीन के अंदर, समझ में आ रहा है, स्क्रीन के बाहर एंड ये वाली विंग स्क्रीन के बाहर आएगी और पीछे वाली उसके वो वाली साइड वाली ये वाली विंग जो भी है ना वो स्क्रीन के अंदर जाएगी, तो ये जेड डायरेक्शन में होगी, है ना, तो लेंथ वेक्टर z डायरेक्शन में, वेलोसिटी x डायरेक्शन में, तो फील्ड कौन सा होना चाहिए यहां पे, y डायरेक्शन वाला, मतलब कि मुझे यहां पे कौन सा फील्ड कंसीडर करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं, मुझे यहां पे वर्टिकल फील्ड कंपोनेंट, मतलब कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पे एच ही कंसीडर नहीं करेंगे, कौन सा कंसीडर करेंगे, जेड ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये मोशनल ईएमएफ वाले केस में वेलोसिटी, लेंथ वेक्टर एंड फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना, समझ में आया, क्लियर, क्लियर हुआ ये पॉइंट, तो इसीलिए मैं यहां पे बी की जगह पे क्या रखूंगा, जेड ई रखूंगा, वेलोसिटी हमें दी गई है, लेंथ फैक्टर हमें दिया गया है, तीनों परपेंडिकुलर है, जी हाँ हो गए, हमने उस तरीके से यहां पे कंपोनेंट ले लिया कि जिसकी वजह से ये परपेंडिकुलर हो गए, तीनों परपेंडिकुलर हो गए, और ये जेडी का वैल्यू कितना है, वहां पे देखो बॉक्स में जेडी का वैल्यू बी साइन आई के बराबर, जहां पे आई क्या है, एंगल ऑफ डीप है, तो ये हो जाएगा बीई साइन आई इंटू वी इंटू एल, ठीक है, चलो सारी वैल्यू प्लेस कर दो, बी का मैग्नीट्यूड मतलब कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है, दैट इज 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4, सो इट इज 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 इनटू साइन कितना, तो 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री है, वेलोसिटी कितना है, तो 1800 किलोमीटर पर आवर, एंड लेंथ कितना है यहाँ पे, अच्छा 1800 किलोमीटर पर आवर को बच्चों हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लेट्स कन्वर्ट इट फर्स्ट इंटू द मीटर पर सेकंड, तो यहां पे जो हमें वेलोसिटी दी गई है 1800 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5/18 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, है ना, तो ये हो जाएगा 500 मीटर पर सेकंड, सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, कुछ नहीं किया है, 5/18 मतलब कि हमने किलोमीटर को 1000 एंड वो आवर को 3600 सेकंड से रिप्लेस किया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/18, सो 18 तो छम्मा छम्मा, ये हो जाएगा 500 मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी होगी 500 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी, अभी इसको प्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 500, और जो स्पान है वो 25 मीटर का है, तो ये हो जाएगा 25, और आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, साइन 30 होता है 1/2, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना हो तो कर सकते हो, तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मतलब कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 25 मतलब कि आएगा 31250, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 31250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वोल्ट, ठीक है, इतना आएगा, इसको अगर आप अच्छे से लिखना है 10 टू द पावर माइनस 4 को यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हो तो हमें 4 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3.125 वोल्ट, ठीक है, तो इतना ईएमएफ उसके दो विंग के दो एंड पॉइंट के बीच में जनरेट होगा, ठीक है, अगर वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो मूव करता है, तो सोचो जरा कि इतना 3 वोल्ट के आसपास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है अगर वो इतनी तेजी से मूव करता है तो, और ये सच में रियलिटी में होता है कि भाई जब भी प्लेन ऐसे मूव होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अर्थ के हॉरिजॉन्टल मूव करता है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट इस तरीके से अफेक्ट करता है कि भाई दोनों, क्योंकि उसके जो दोनों विंग है वो भी तो मेटल की बनी है ना, तो ऐसे केस में वो इतना दो विंग के बीच में इतना फील्ड जनरेट, सॉरी इतना वोल्टेज जनरेट होगा, है ना, क्लियर है पॉइंट, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है बच्चों, यहाँ पे हमारा लेक्चर भी आज का एंड होता है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, अल्टरनेटिंग करंट के साथ, till then enjoy your day, bye.